जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। आज हम बनाने वाले हैं पानी वाला अचार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक दिन धूप में रखने से बहुत ही बढ़िया अचार रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो, हमने दो गाजर लिया है, बहुत ही बढ़िया। एक मूली ली है और ये एक ककड़ी ली है, और ये अदरक का टुकड़ा है, और ये तीन लहसुन की करी है, और 10-15 हरी मिर्च, मैंगो पाउडर है बड़ा सा चम्मच, आधी चम्मच नमक है, ये धनिया और जीरा है, और ये वरियारी है, सौंफ बोलते हैं, और ये काली मरी है, काली मरी एक चम्मच इतनी है। हमें इसमें कूट के डालना है, ये सेक के ले लिया है, इसके अंदर हम कूट लेंगे, बारीक बारीक कूटना है उसको। ये हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आप देख सकते हो, हमने ऐसा कूट के बहुत ही बढ़िया रेडी कर दिया है। यह हम बढ़िया सा साफ कर देंगे। हम ये गोल पीस में काटने वाले हैं। आप लंबा काटना चाहो तो भी काट सकते हो। ये छिलका निकाल देंगे पहले सबका, ककड़ी का रखेंगे, ये गाजर का, मूली का छिलका निकाल देंगे, अदरक का, और अच्छे से कट कर देंगे। ये मिर्ची है, वो भी दो दो चीरा लगा देंगे मिर्ची के अंदर, एक मिर्ची का दो चीरा लगा देंगे इसे, और ये डंडी वगैरह निकाल देंगे। तो बनाने का तरीका शुरू करती हूँ। ये सबसे पहले कट कर दूंगी। बनी हमने बढ़िया सी साफ कर ले ली है, और ये सारा कट करके रख दिया है। देख सकते हो, हमने लहसुन की करी कट नहीं किया, इसे रखा है, फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए अदरक भी इसे कर दिया। हमने गोल साइज में काटा है। आप लंबा कटना चाहो तो भी काट सकते हो। बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया है। हम डालेंगे बनी के अंदर, एक लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी खीरा ककड़ी मतलब मूली, गाजर, हरी मिर्च, सारा एक एक करके हमें डाल देना है बनने के अंदर। हरी मिर्च, अदरक, हमारा मैंगो पाउडर, कच्चा मैंगो पाउडर है, संचन नमक, और जो हमारा दरदरा कूटा हुआ मसाला था वो डालेंगे, साथ में डालेंगे एकदम फ्रेश पानी। बनने में थोड़ा कम डाल रहे हैं, अच्छे से हिलाना है। पानी वाला अचार हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो, एक दिन हम धूप में रख देंगे। एकदम एक दिन धूप में रखने से ये 12 महीने तक ऐसा बहुत बढ़िया रहता है। तो चलो धूप में रख देते हैं। आप देख सकते हो, हमने बढ़ने धूप में रख दिया है। बहुत ही बढ़िया धूप है, इसलिए हम एक दिन रखते हैं। आपके घर पर धूप नहीं आता, कम आता हो तो आप 2-3 तक बनने के अंदर रखिए, बाद में फ्रिज में रख देना। हमारा एक दिन धूप खा लेगा, बाद में हम फ्रिज में रख देंगे, जब भी खाना तब निकालेंगे, लेकिन हाथ मत अड़ाना, चम्मच से निकालेंगे हम। तो एक दिन के बाद, एक दिन हो गया है धूप में से, बहुत ही बढ़िया अचार बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो, बहुत ही फाइन। हम रख देंगे फ्रिज के अंदर हमारा अचार। हम फ्रिज में रख रहे हैं, जब भी खाना हो तब चम्मच से निकालना। बहुत ही बढ़िया अचार बनके रेडी हो गया है।